हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल रीड अ बुक ऑफ जनरल नॉलेज, लेसन नंबर 27, टेल द टाइम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर इज टेल द टाइम। मींस इस चैप्टर में हमें टाइम के बारे में बताया गया है कि हम किस टाइम पर क्या काम करते हैं और हमें क्या काम करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन बिलो आर डिफरेंट टाइम्स इन द क्लॉक। घड़ी में डिफरेंट डिफरेंट टाइम होता है जो हमें दिखाती है। मैच द एक्टिविटी मैनिश विल बी डूइंग एट दीज टाइम्स। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें मैच करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। फर्स्ट है, इट इज़ 7 AM इन द क्लॉक। अगर घड़ी में 7 बजे है तो हमें क्या करना है, ही शुड हैव द ब्रेकफास्ट। सुबह के 7 बजे हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। सेकेंड, इट इज़ 10 PM इन द क्लॉक। PM लिखा है मीन्स दोपहर के बाद वाली बात है। तो रात के 10 बजे हम क्या करेंगे, ही शुड गो टू स्लीप। हमें सोना है रात के 10 बजे, हमें क्या करना चाहिए, सोना चाहिए। थर्ड इज़, इट इज़ 2 PM इन द क्लॉक। 2 बजे हैं दोपहर के, तो हमें क्या करना है, ही शुड हैव द लंच। हमें लंच करना है, ठीक है। यहाँ पर एक बॉय को यहाँ पर सिंबल बनाया गया है तो उसके लिए ही यूज़ किया है। तो वो क्या करेगा, दोपहर के 2 बजे वो लंच करेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ 6 AM इन द क्लॉक। अगर घड़ी में 6 बजे हैं सुबह के, तो 6 बजे ही शुड वेक अप। तो उसे उठना है, जाग जाना है। इट इज़ 6 PM इन द क्लॉक। अगर शाम के 6 बजे हैं तो क्या करना है, ही शुड गो फॉर प्लेइंग। तो उसे खेलने के लिए जाना चाहिए। इट इज़ 9 PM इन द क्लॉक। अगर घड़ी में रात के 9 बजे हैं तो क्या करना है, ही शुड हैव डिनर। तो रात के 9 बजे डिनर करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए टाइम के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनको हमें टाइम पर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 27 कंप्लीट होता है। हैव अ